बोरिंग सा हो रहा है यार। अनुज कहाँ गया? 6 दिन 7 दिन हो गए, इसका पता ना पता नहीं। अरे अनुज किधर है भाई? कोई कमरे पे है। क्या बात यार, पता ही नहीं है तेरा, कुछ 6-7 दिन से गायब हो रहा था। अच्छा, ऐसे क्या, ऐसा क्या सीन खराब चल रहा है आजकल? अरे चप्पल। और तूने वो हमने अपना YouTube चेक किया था? नहीं यार, कहाँ में देखेंगे आजकल उसे। भाई कंग्रेचुलेशन यार, 500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं हमारे। 500 जल्दी हो गया। हाँ जल्दी हो, काफी जल्दी हो गया। और कमरे पे है ना अभी? चलो आता हूँ, उधर ही आता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो यार बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का कि आपने हमारे पे चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट दिया। तो दोस्तों यूँ ही अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहिए और हम आपको देवभूमि उत्तराखंड के बारे में यूँ ही बताते रहे। तो अभी चलते हैं भंडारी जी के यहाँ। जरा वो क्या कर रहे हैं, 7 दिन से गायब होता है, कोई लॉन्ग टूर कुछ नहीं मर रहा भाई, और मैं घर में रह के बोर हो चुका हूँ। मेरे क्या हाल है आपके? बढ़िया, क्या बात, आग उग सीखी जा रही है भाई। बढ़ा ही हो, 500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं हमारे। धन्यवाद धन्यवाद। और कुछ बोलना चाहेंगे आप बैठे बैठे? कुछ नहीं, बस बैठे हैं यहाँ पे, हालात नाजुक है। हाँ भाई भंडारी, तो 500 सब्सक्राइबर स्पेशल में क्या है फिर आज? बस क्या स्पेशल है, चलते हैं बाहर कहीं, नॉनवेज खाने का मन कर रहा है यार बहुत ज्यादा। अच्छा तो नॉनवेज में क्या चलेगा आज फिर? मच्छी खाते हैं। चलो ठीक, अपने हिसाब से पार्टी करते हैं। चले तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं खलंगा, ऐतिहासिक युद्ध स्मारक है जो, और अभी हम हैं तपोवन में। अगर आप इधर आते हो तो सहजारा रोड से होते हुए नालापानी चौक से अंदर आता है रास्ता। दोस्तों यह है नालापानी, मेन नालापानी बस स्टैंड सामने, और ये बलभद्र खलंगा द्वार नालापानी का, और यहीं से हम ऊपर जाएंगे। सो गाइस, यहाँ से स्टार्ट होता है खलंगा का रास्ता। कितने भीड़ हो गई यहाँ पे, लोग कहाँ कहाँ से आते हैं पानी भरने के लिए। पानी भर दिया, चलते हैं खलंगा के लिए। गाइस इस जगह को देहरादून में बहुत कम लोग जानते हैं, इधर हमें जानने में खुद ही काफी टाइम लग गया था, और ये काफी अच्छी जगह है। यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, नीचे जो रास्ता जा रहा है रायपुर जा रहा है, यहाँ से होती है असली खूबसूरती स्टार्ट। पिछले 1-1.5 सालों में यहाँ लोगों का आना बढ़ चुका है काफी,
वरना उससे पहले इस जगह को कोई नहीं जानता था। और नेपालियों के बीच इधर ही इन जंगलों में युद्ध हुआ था। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं खलंगा, ये सामने उसका मेन गेट दिख रहा है, बलभद्र खलंगा युद्ध स्मारक 1814। सो गाइस ये है यहाँ पे स्मारक और नीचे दिख रहा है यहाँ से देहरादून। गोरखा शौर्य की कहानी कह रहा देहरादून का खलंगा स्मारक। जंग के मैदान में गोरखा सैनिकों ने हमेशा शौर्य गाथा लिखी है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल देहरादून के खलंगा युद्ध को माना जाता है। अंग्रेजों के खिलाफ गोरखा सैनिकों की बहादुरी को याद दिलाता यह स्मारक आज 200 साल बाद भी याद दिला रहा है। 1814 में नालापानी के समीप खलंगा पहाड़ी पर महज 600 गोरखा सैनिकों ने 10,000 की तादाद वाली अंग्रेज फौज को नाको चने चबवा दिए थे। अपने खलंगा स्थित किले को बचाने के लिए लड़ रहे गोरखा सैनिकों ने 1,000 से ज्यादा अंग्रेज अफसरों और सैनिकों को मार डाला था। खास बात यह है कि गोरखा सैनिकों के पास हथियारों के नाम पर सिर्फ खुंखरियां ही थी, जबकि अंग्रेज फौज बंदूकों और तोपों से लैस थी। अंग्रेजी फौज के कमांडर भी इस युद्ध में मारे गए थे, जबकि गोरखा सैनिकों ने नेतृत्व कर रहे बलभद्र सिंह भी शहीद हो गए थे। इस युद्ध में गोरखा सैनिकों की बहादुरी को अंग्रेजों ने भी पूरा सम्मान दिया। उन्होंने 1815 में गोरखा रेजिमेंट की स्थापना की। तो गाइस ये देख रहे हैं आप यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ, इस पर लिखा हुआ कि कितनी कैजुअलिटी हुई उस टाइम यहाँ पे। ये ब्रिटिश फोर्स की कैजुअलिटी दिखाई गई है। तो दोस्तों ये रहा खलंगा। खलंगा में फिलहाल इतना ही, चलिए पार्टी करने चलते हैं। अब यहाँ से हम जाएंगे जंगल के बीच में। डाल रही प्याज। डाल दो
चावल डालो उसमें, इसको दे दे, इससे मैं बाहर निकाल दूँगा उसको। हाँ सर, बाहर ना पड़ेगा। इधर से आप लगे क्या? दोस्तों ये हो गया तैयार, और इसको मैं निकाल रहा हूँ बाहर। तो जहाँ तुम खाते हो या जंगल में कुछ बना रहे हो तो उस चीज़ का जो कूड़ा करकट होता है उसे प्लीज पैक कर दो, पैक कर दो, और जो भी हम अभी करने जा रहे हैं वापस लेके जाओ कूड़े को। ठीक है दोस्तों, लंच हो गया हमारा खत्म, काफी मजा आया खाने में और मछली खाने में, वाह। अब चलते हैं घर की तरफ। तो गाइस हम निकल रहे हैं यहाँ से घर के लिए वापस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय बाय।